नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम MIS के यूनिट 1 का लेक्चर 5th डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे IT भी बोलते हैं शॉर्ट में, is the use of computers to store, retrieve, transmit and manipulate data or information. देखिए, information technology वो technology है जिसके तहत हम data या information को store कर सकें। कहाँ पे? Using computers में, computers के through data को कहीं store कर सकें, उसको जब मन चाहे उसको हम retrieve कर सकें, मतलब कि अपने उपयोग के लिए उसको दोबारा निकाल सकें, ट्रांसमिट कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, और अपने हिसाब से डेटा के रिपोर्ट्स, मतलब मैनिपुलेट डेटा कर सकें, डेटा को अपने हिसाब से बदल सकें, चेंज कर सकें, और अलग अलग उसी डेटा को अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। इतने सब, मतलब डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, रिट्रीव करना, ट्रांसमिट करना और मैनिपुलेट करना, यही कहलाता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बेसिक डेफिनेशन है, चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका नेचर है, आइए वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एजुकेशन सिस्टम सिंपलर, ईजियर एंड वाइड स्प्रेड। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होने से, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत सिंपल हो गई, ईजी हो गई और वाइड स्प्रेड हो गई। आज की डेट में अगर कोई रिमोट लोकेशन में भी बैठा है तो वो भी ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लाइन है, नाउ पीपल ऑफ रिमोट एरियाज कैन ऑल्सो यूज़ इन टेक्नोलॉजी फॉर देयर चिल्ड्रेंस एजुकेशन एंड ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। देखिए, जो बहुत दूर दराज में लोग बैठे हैं, जिनको चाहे वो ऑनलाइन किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हों, ऑनलाइन आज की डेट में हर कोर्स लगभग अवेलेबल है, ओनली ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो पाया है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास सिस्टम है, इंटरनेट है, टेली कम्युनिकेशन ठीक चल रहा है, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है। आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ ई गवर्नेंस ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए, पहले सिर्फ ऑफलाइन गवर्नेंस ही होता था, आपको जाके कोई भी गवर्नमेंट का काम कराना है, किसी ऑफिस में जाना है, तो आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ेगा, तब आपका काम हो पाता था। बट अब क्या है, आप देख लीजिए, चाहे आपको आधार कार्ड अपडेट कराना हो, या अपना कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हो, ऑनलाइन फॉर्म अप्लीकेशन करने हो, या कोई भी सर्विस गवर्नमेंट की आप तक ऑनलाइन पहुंच सकती है, ओनली ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। देखिए, अब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण गवर्नमेंट आपसे, आम पब्लिक से सजेशंस ले सकती है, और पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारी हेल्प होती है, नए नए आइडियाज़ लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको याद हो, जब रुपए का सिंबल बनना था, तब बहुत सारे लोगों ने रुपए का सिंबल बना के भेजा था, और वो किसी एक का चूज़ करके ही वो रुपए का सिंबल बना दिया गया था। तो ये तब हो पाया जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है। तो पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन हो गया है, अब कोई भी शिकायत है आप चाहे ट्विटर में शिकायत कर सकते हैं, या बहुत सारे कंप्लेंट पोर्टल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से जाके आप शिकायत कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस में। ये कैसे हो पाया, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अराइवल हुआ। फोर्थ पॉइंट है, फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो पाया है। देखिए, आज की डेट में पेमेंट करना है या पेमेंट रिसीव करना है, ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है इसको, नहीं तो ये पहले पॉसिबल नहीं था। आपको बैंक जाके ही पैसा ट्रांसफ़र करना होता था, अब आप ऑनलाइन UPI आ जाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज़। देखिए,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण जो रिमोट दूर दराज के एरियाज हैं उनको भी बहुत बड़ी सर्विसेज मिल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही रिमोट एरियाज का, दूर दराज के एरियाज का डेवलपमेंट हो पा रहा है और उनकी रिपोर्टिंग भी ठीक हो पा रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी हेल्प्स द पुलिस इन नैबिंग द क्रिमिनल्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इतना कुछ इनेबल हो पाया है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को पुलिस आपकी पकड़ पा रही है। जो साइबर सेल होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके कॉल डिटेल्स निकाल के लोकेशन ट्रेस करके बहुत कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, द जुडिशियरी एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर। देखिए, जुडिशियरी ने भी यहाँ पे हेल्प किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामले ऑनलाइन जजमेंट होते हैं, ऑनलाइन पेशी होती है, ऑनलाइन प्रेजेंस एक जगह से दूसरी जगह, ऑनलाइन कोर्ट चले हैं, ऑनलाइन ट्रायल चल जाते हैं। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको ईजी और फास्टर कर दिया है। नेक्स्ट है, हाईली बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल एज दे कैन एक्सेस देयर राइट्स एंड कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु वायलेट्स हिज और हर राइट्स। देखिए, इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी की वजह से एक आम आदमी भी अपने राइट्स को जान सकता है और जिसने उसके राइट्स को वायलेट किया है या परेशान किया है या उनको किसी प्रकार से ह्यूमिलिएट किया है उसके तहत एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये क्यों हो पाया है? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेस द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट रैदर देन द सोसाइटी एज अ होल। देखिए, इसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी सोसाइटी, एक इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग लाई है। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के आ जाने के बाद आप अपनी फीलिंग्स को शेयर भी कर सकते हैं और बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं जहाँ से आप बहुत सारा कुछ हैप्पीनेस गेन करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आ चुकी थी 20th सेंचुरी में ही, बट उसका जो ब्रॉड जो रूप है, वो जो बड़ा रूप है, वो 21st सेंचुरी में ही निकल के आ पाया। आइए देख लेते हैं। तो 21st सेंचुरी हैज़ बीन डिफाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ एंड एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, 21st सेंचुरी में पूरा एडवांसमेंट, जो विस्तार हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो आपकी 21st सदी में ही हुआ है। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ का पार्ट हो गया है, चाहे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, चाहे वो न्यूज़ देखने के लिए हो, चाहे यूट्यूब वीडियोज़ हों, चाहे आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करना हो या कोई भी ऑनलाइन सर्विस लेनी हो, कई बार आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, तो ये सारा तब आप डेली लाइफ का पार्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो चुकी है आज की डेट में। तो आइए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, चाहे उसका स्टडी हो, डिज़ाइन हो, डेवलपमेंट हो, एप्लीकेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, सपोर्ट हो या मैनेजमेंट हो, वो सारा कुछ कवर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। आइए आगे देखते हैं। तो कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एवर चेंजिंग। देखिए, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डे टू डे अपडेट्स आ रहे हैं, नए ऐप्स, नई टेक्नोलॉजी, नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है, बट फिर भी जो हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं हमने उसको कवर करने का प्रयास किया है। सम ऑफ द ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एज फॉलोज। फर्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकेंड है मोबाइल एप्लीकेशन, यूजर इंटरफेस एंड एनालिटिक्स। तो आइए क्लाउड कंप्यूटिंग के देखते हैं।
सबसे पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग. वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द क्लाउड कंप्यूटिंग. एक जो सबसे ज़्यादा बातचीत आज के डेट में हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एट यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज दैट इज सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर एज अ सर्विस ओवर अ नेटवर्क. टिपिकली दिस नेटवर्क इज द इंटरनेट. देखिए आज की डेट में आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसका रैम हो सकता है 128 GB हो, बट वो भी एक दिन फुल हो जाएगा. सॉरी रोम 128 GB हो और रोम हो सकता है 6 GB हो. तो धीरे धीरे करके आपका रैम तो नहीं बढ़ सकता है, बट आपका जो स्टोरेज है उसको कैसे किया जाए. तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपना डेटा कहीं और दूसरी जगह पर रख सकते हैं. जैसे आपका गूगल ड्राइव है, वो आप अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं, तो इसे क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं. मतलब कि आप अपना डेटा अपने डिवाइस में न रख के कहाँ पे रख रहे हैं, कहीं पे अदर स्पेस पे रख रहे हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके. ठीक है, जो कि कोई वेब होस्टिंग वाला वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराएगा. तो उसमें क्या होगा कि आपके मोबाइल का रोम फुल नहीं होगा. और अगर आपका जैसे प्राइमरी डेटा में जैसे आपका व्हाट्सएप चैट है या फिर जितना भी आपका डेटा है, तो ये इसका बैकअप भी आप ले सकते हैं कि अगर फ़ोन जब चेंज करेंगे तो चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स हों चाहे जो चीज़ें हों, वो दोबारा आप रिट्रीव कर पाएंगे दूसरे फ़ोन पे. सेम चीज़ें आपके दूसरे फ़ोन पे आ जाएंगी. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से होता है. ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन. देखिए अनदर इमर्जिंग ट्रेंड विद इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मोबाइल एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन स्मार्टफोन टैबलेट एट्सेट्रा. देखिए जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आज के डेट में पॉपुलर हो रहे हैं. आप देखेंगे जितनी भी चाहे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हों चाहे कोई बिजनेस हो, हर कोई अपना एक एप्लीकेशन बनाने में लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ईजियर सिंपलर होते हैं जिससे आपका काम बड़ी आसानी से हो जाता है और आप उन कंपनीज़ के टच में बने रहते हैं. तो ये आज की डेट में बहुत बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड है. ये आपके लिए मतलब कस्टमर के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए चीज़ों को बड़ा आसान बना देता है. यूज़र इंटरफेस बड़ा आसान हो जाता है जिससे कि यूज़र आराम से अपनी सर्विसेज का एक्सेस ले पाता है. ठीक है, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनीज हो चाहे आपकी सोशल मीडिया साइट्स हो, वो सब के एप्लीकेशन आपको मिलेंगे. चाहे आपका लिंक्डइन हो चाहे आपका फेसबुक हो चाहे आपका YouTube हो, सबके आपको ऐप आज की डेट में मिलेंगे. क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन चाहे टैबलेट हो या मोबाइल के थ्रू ही इन एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं और ये बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए इनका आज की डेट में बोलबाला है. सेकंड पॉइंट है मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप हैज़ बिकम अ सक्सेस सिंस इट्स इंट्रोडक्शन. देखिए इसमें मोबाइल एप्लीकेशन जब से इंट्रोड्यूस हुए हैं तभी से बिल्कुल सक्सेस को वो पा रहे हैं और बहुत आसान हो जाने के कारण और कस्टमर से या अपने इंडिविजुअल से टच बनाए रखने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारा काम करते हैं. नेक्स्ट है दे आर डिज़ाइंड टू रन ऑन स्मार्टफोन टैबलेट्स और अदर मोबाइल डिवाइसेस. जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं चाहे स्मार्टफोन हो चाहे टैबलेट हो, इन सब के लिए चलाने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं. हालाँकि वेबसाइट भी अवेलेबल हैं बट लोग मोबाइल एप्लीकेशन यूज जब करते हैं तो उनको बड़ी आसानी रहती है. यूज़र इंटरफेस बड़ा सिंपल होता है तो और इंटरेक्टिव होता है, आसान होता है और मोबाइल डिवाइस के साथ कंपेटिबल होते हैं ये एप्लीकेशन, इसलिए ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं यूज़र इंटरफेसेस. देखिए यूज़र इंटरफेस हैज़ अंडरगॉन अ रेवोल्यूशन सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ टच स्क्रीन. जब से टच स्क्रीन आया है तो यूज़र इंटरफेस एकदम बिल्कुल रेवोल्यूशन हो गया है. द टच स्क्रीन capability has revolutionized way end users interact with application. Touch screen enables the user to directly interact with what is displayed and also removes any intermediate handheld device like the mouse. देखिए जब से यूज़र इंटरफेस मतलब आपका टच स्क्रीन आ गया है तो जो इंट्रैक्शन हो रहा है ऑनलाइन, कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है या कहीं क्लिक करना है तो डायरेक्टली आप उसी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं. पहले क्या था कि कोई माउस चाहिए या कोई स्टिक चाहिए टच स्क्रीन के. पहले भी आए थे तो पुश स्क्रीन्स होते थे, टच स्क्रीन्स नहीं होते थे, उसमें एक स्टिक होती थी उससे आपको टच करना पड़ता था. बट अब इतना फ्रेंडली हो गया कि आप आराम से अपनी उंगलियों से ही फिंगर टिप से ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये अब एकदम रिवोल्यूशनाइज हो गया है. तो यूज़र इंटरफेस इस तरह के बनाए जा रहे हैं जो टच स्क्रीन के हिसाब से हैं. अब तो टैबलेट्स भी देखिए टच स्क्रीन आने लगे हैं तो बड़ा आसान हो गया है. यूज़र इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका है. आइए देख लेते हैं नेक्स्ट
एनालिटिक्स। देखिए बेसिकली एनालिटिक्स होता है जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसे बोलते हैं एनालिटिक्स। आप एक ही डेटा से कई टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एनालिटिक्स। ठीक है, आप पाई चार्ट, बार चार्ट कुछ भी बना सकते हैं एक ही डेटा से, और अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देख लेते हैं। द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड्स इन रिसेंट ईयर्स। बहुत सारा चेंज हुआ है आज के डेट में एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स इन डिस्कवरिंग द इंफॉर्मेशनल पैटर्न विद डेटा। देखिए एक इन्फॉर्मेशन को एक विशेष पैटर्न में दिखाने के लिए, जो डेटा है आपका उसको अलग अलग इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है। द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च। इन तीनों, चाहे स्टेटिस्टिक्स हो, आपका डेटा अलग अलग स्टेटिस्टिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ऑपरेशंस रिसर्च, तो इन सब का इस्तेमाल करके आपके डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट जो किया जाता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन उससे जनरेट की जाती हैं, ईयरली, मंथली, वीकली, सेल्स का डेटा, सेल्स की एनालिटिक्स, कस्टमर रिटेंशन की एनालिटिक्स, जो अलग अलग टाइप का डेटा है, कितना कस्टमर हमारे यहाँ विजिट किया किस ईयर में, या कितने कस्टमर हमारे परचेजर्स बढ़े, या कितने लोग हमसे जुड़े, इस सब का डेटा हम अपना अलग अलग एनालिटिक्स के थ्रू देख सकते हैं। ईयर वाइज डेटा देख सकते हैं, मंथली डेटा देख सकते हैं, वीकली डेटा देख सकते हैं, पर्टिकुलर टेरेटरी का डेटा देख सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनालिटिक्स को इस्तेमाल इन तीनों चीज़ों का, स्टेटिस्टिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च का इस्तेमाल करके हम चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स हैज़ शोन ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड सोशल एनालिटिक्स। तो बहुत सारी चीज़ों में एनालिटिक्स में हमें हेल्प किया है, जैसे कि डेटा, आपका डेटा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने में इसने हेल्प किया है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, आप पुराने डेटा को, जो प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस मंथ का डेटा को आप जब एनालाइज करेंगे तो आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, आप कुछ फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ अगर ये ट्रेंड ऐसा चल रहा है तो आगे भी ऐसा ट्रेंड रहेगा, या ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है तो किस जो ग्राफ है वो कैसे जा रहा है, इसका एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और जो सोशल एनालिटिक्स है, जो कि आप कैसा चेंज हो रहा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन में कैसा चेंज हो रहा है, समाज में कैसे बदलाव आ रहे हैं, ट्रेंड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये भी आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा का इस्तेमाल करके, जो आपकी एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके। डेटा एनालिटिक्स इज़ टूल यूज्ड टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए डेटा एनालिटिक्स मेनली जो आपका कंपनीज डेटा डिसीजन लेती हैं डेटा के बिहाफ पे, तो अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके से जनरेट करके डेटा ऐसा रिप्रेजेंट करेगा जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी सहायता मिलेगी। आप ब्लाइंड गेस नहीं करेंगे, बल्कि आपके सामने सारा विजिबल डेटा रहेगा, बार चार्ट, पाई चार्ट या अलग अलग तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में ये डेटा अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू आप डिसीजंस ले पाएंगे। इट कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इसका यही काम है कि जो रॉ डेटा है आपका, जैसे आपके पास किसी एरिया का पॉपुलेशन है डेटा, उसको एकदम बिल्कुल ऐसा मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करेगा कि कितने लोग किस एज ग्रुप के हैं, यूथ कितना है, ओल्ड एज पीपल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। और फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप चेंज कर लीजिए, ऑक्यूपेशन क्या क्या है, तो उस तरह के से जो डेमोग्राफिक्स के बिहाफ पे या डेटा किस किस तरह का डेटा, उस तरह से आपको ये प्रेजेंट करके दिखाएगा, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग लेना, डिसीजन मेकिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा, आपको डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। यही डेटा एनालिटिक्स का काम है। नेक्स्ट है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज टूल यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन करंट एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो आपका प्रीवियस डेटा अवेलेबल है और करंट का डेटा है, उसको एनालाइज करके हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सर्टेनली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। बहुत हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ट्रेंड होने वाला, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, या किसी चीज़ का ट्रेंड आने वाला है या जाने वाला है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन फेज की ओर जा रहा है, तो ये चीज़ें हम डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके जान सकते हैं और बहुत सारा फ्यूचर एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये आपको वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, नई वीडियो मिलते हैं।